अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज तुसी वेख रहे हो यूट्यूब चैनल देश की मिट्टी। तो मैं तुहाडा अपना मेज़बान करब अब्बास। तो देश की मिट्टी का एक ऐसा नौजवान जिन्हों के कबूतरों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्हें अपने घर जितने उन्होंने रहायश गा उत्थे उन्हें कबूतर पाले हुए हैं। तो यह तुसी वेख सकते हो कि इनके हाथ च एक कबूतर है। तो इन्हे नाल गलबात करना है कि इन्हों शौक है किवें लगा। तो अता के जो शौक हों, कुछ लोग कहते हैं कि शौक नहीं करना चाहिए। और इस नौजवान को पूछने, इस भाई को पूछने कि इन्हें शौक किस तरीके लगा और क्यों लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये शौक काफ़ी अरसे तू है मैनू, तकरीबन 20 साल तू शौक। ये होमर रेसर कबूतर है, दूसरी जंगे अजीम दे विच इन्हां दे नाल खत पड़ाए गए। तो इस तरह मैनू इन्हों का शौक लगा। तो जिहड़ा आंदे ना लोग, शौक नहीं करने चाहिए, करना चाहिए, लेकिन शौक दे विच कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अपनी एक हद तक करना चाहिए। जिंदे विच बच्चों की चीज़ां रोजी ज़ाया हो जाए उस तरह नहीं, लेकिन शौक करना कोई गुनाह नहीं है, कुछ काफ़ी फायदे। कुछ जड़े लोग हैं ना, वो आते हैं कि कबूतर रखना बहुत गुनाह होता है, इस तरीके होता है, रिजक होता है, इस दे बारे तुसी की आखना चाहते हो? रिजक कमी आ जाती है उस दे बारे तुसी? कबूतर दे बारे तो हदीस काफ़ी हैं कि कबूतर रखना कोई गुनाह नहीं। अगर तुसी इनू जुए की आद तक इस्तेमाल करते हो तो फिर तो गुनाह है, अगर तुसी सही रखते हो, परवरिश इनकी करते हो, तो इनका कोई गुनाह नहीं। तो कितनी इकसाम दे तुसा कबूतर? मैं एक इकसाम दे रखे हूं, मैंने सिर्फ होमर रेसर कासिद कबूतर दी शौक है। ए इंपोर्टेड है। ए काम एक ही काम कर दें तो मसला ने इन्हां नूं चिट्ठी पुराने वक्तां दे पुराने जंग दे विच चिट्ठी दी तरीके इस्तेमाल कीता जांदा। हां जी भाई, उन्हें वाले दे।